अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्राम स्किल्स अकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बिंग प्लेसेस को किस तरह सेटअप कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने पुरानी वीडियोस में ऑप्टिमाइज़ किया था गूगल माई बिज़नेस को, और अब हम शुरू करते हैं बिंग बिज़नेस। तो गूगल पे आप सर्च करेंगे बिंग प्लेसेस, तो ये उनकी आ जाएगी वेबसाइट, न्यू यूज़र। अच्छा जी, तो इसके आगे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, इंपोर्ट फ्रॉम गूगल माई बिजनेस और क्लेम और ऐड योर बिजनेस। तो सबसे पहले इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से कंटिन्यू। तो ये एम्प्टी शो हो रहा है, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में अभी तक अवेलेबल नहीं, और ये 5-6 कंट्रीज़ के लिए सिर्फ अवेलेबल है। उसके बाद अगर मैनुअली किया जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पाकिस्तान नहीं, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। तो उसके लिए सॉरी, मतलब इससे आगे मैं प्रैक्टिकल तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। तो ये 11 टिप्स हैं बिंग प्लेसेस की ऑप्टिमाइजेशन के लिए। सबसे पहले क्लेम योर बिजनेस लिस्टिंग, मतलब आप पोस्ट कार्ड से इसे वेरीफाई करवाएं और उसकी जो बेसिक सेटिंग है वो करें। उसके बाद जो NAP, मतलब नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, वो आपका कॉन्स्टेंट रहे, मतलब जो आपने गूगल माई बिजनेस और वेबसाइट के ऊपर यूज़ किया है वही आप यहाँ पे यूज़ करें। उसके बाद आपकी जो लिस्टिंग है उसमें इमेजेस ऐड करें, कम से कम 3 इमेजेस हों, और कीवर्ड जो हैं वो आप फाइल नेम में ऐड करें इमेजेस के, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें जियो टैग ऐड करें। उसके बाद अपने बिजनेस के आवर्स ऐड करें, अगर आप ऐड करेंगे तो ये एक साइन शो होता है अगर आपका बिजनेस ओपन हो तो। अच्छा जी, उसके बाद कैटेगरीज देखें अपने कॉम्पिटिटर्स की और उन्हें भी ऐड करें। उसके बाद स्पेशलिटीज, मतलब ये भी कैटेगरीज की तरह ही है लेकिन बिंग में काफ़ी हद तक बड़ा फैक्टर है, तो इसे भी आप ऐड करें। उसके बाद अगर रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो उसे इंटीग्रेट करें ओपन टेबल के साथ। ओपन टेबल के साथ वो आसानी से जो कस्टमर हैं वो रिज़र्व कर सकते हैं, और एक रिजर्वेशन का लिंक जो है वो आपकी बिंग प्लेसेस प्रोफाइल में शो होता है। उसके अलावा आप डील्स, अगर कोई आपके बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है कूपन्स वगैरह, वो आप ऐड करें। उसके लिए आप ग्रूपन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद साइटेशंस गूगल माई बिजनेस के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, और उसी के साथ बिंग प्लेसेस के लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, मतलब ये गूगल माई बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बिंग में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद जो लोकल बिजनेस वेबसाइट है उसकी SEO करें, उसमें जो अपना मैप है उसे एम्बेड करें, NAP यूज़ करें, और सर्विसेज पेजेस बनाएं, मतलब और जितना ज़्यादा बेहतर कर सकें उसे बेहतर बनाएं। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे कि हम किस तरह उसे कम्प्लीटली लोकली ऑप्टिमाइज़ करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगेन सॉरी, मैं प्रैक्टिकली इसे नहीं कर सका, मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को प्रैक्टिकली करूँ, लेकिन ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं और मेरा बिज़नेस भी पाकिस्तान का है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में अगर हमें कोई USA का, मुझे किसी क्लाइंट वगैरह का मिल गया तो इंशाल्लाह उसे क्रिएट करेंगे स्क्रैच से प्रैक्टिकली। अल्लाह हाफिज़। स्किल्स अकेडमी से सीखें कोई भी स्किल बिल्कुल मुफ्त, वर्डप्रेस, SEO, गेम डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट और किसी भी किस्म का स्किल। अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस है तो वहाँ पे आप स्किल्स अकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई भी कोर्स देख सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। अगर आपको किसी भी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें SEO मास्टर्स अकेडमी और वहाँ पर अपने क्वेश्चन पोस्ट करें।